हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। ये है पोटैटो स्टिक। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी होते हैं, और आप इसे चाय के साथ बनाइए और यकीन मानिए, बच्चे तो इसे मांग मांग के खाने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये केवल 3 चीज़ों से बन जाती है। इसे कहते हैं पोटैटो स्टिक्स। तो चलिए चलते हैं हमारी किचन में और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। तो मैंने लिया है यहाँ पे 4 से 5 बॉयल पोटैटो, जिसे मैंने पहले से ही मैश कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स जो हैं ये मैंने घर में ही बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल है। ब्रेड को लेना है, उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल लिया था जिसे मैंने हाफ यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2-3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसके जगह पे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, हम इसे भी ऐड कर देंगे। अगर आप जिंजर या गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और ये मैंने यहाँ पे चीज़ ऐड किया है। यहाँ पे चीज़ को मैंने ग्रेट करके लिया है। अगर चीज़ स्लाइसेस में है तो आप उसे तोड़ के डाल सकते हैं। चीज़ पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है इसलिए मैंने डाला है। और सबसे लास्ट में मैं डालूँगी कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया की पत्ती। और बस अभी इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक अच्छा सा डो रेडी करना है। तो अगर यहाँ पे आपको अपना बैटर जो है वो चिपचिपा लगे तो आप यहाँ पे और भी ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिक्स हर्ब्स जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसकी जगह पे आप पिज़्ज़ा सीजनिंग या फिर मैगी मसाला कुछ भी ऐड कर सकती है। तो अभी मुझे ये चिपचिपी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और ऐड कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और एक बड़ी सी जो बॉल है वो बना लेंगे, क्योंकि हमें बहुत पतले पतले स्लाइसेस तो करने नहीं है। और इसकी एक बड़ी सी रोटी जैसा हमें बेल लेना है। हमें बीच बीच में मैदे को डस्ट करते रहना है। तो हम इसमें अपनी रोटी बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको बेलना है। तो अभी हमारी रोटी बिल्कुल बन के रेडी है और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। साइड साइड से हम इसे कट कर लेंगे ताकि हमारा शेप जो है वो अच्छा बने। तो शेप देने के लिए हम साइड के पोर्शन को कट करके निकाल देंगे और उसे बाद में यूज़ कर लेंगे। इसकी पतली पतली हम स्टिक्स को कट कर लेंगे।
बनाना बहुत आसान है। और जैसे ही आपका जो नाइफ़ है वो चिपकने लगे तो आप उसमें हल्का सा मैदा कोट कर लीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेरी और पोटैटो स्टिक्स बन गई हैं। तो हम इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऑयल को गर्म कर रखा है और हम इसमें धीरे धीरे उठा के डालेंगे, क्योंकि ये जो हमारी स्टिक्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे डालना है और डालते ही आपको तुरंत उसे हिलाना नहीं है, उसे थोड़ी देर कुक होने देते हैं, हार्ड होने देते हैं। तो जैसे जैसे ये थोड़ा हार्ड होता जाएगा तब हम इसे थोड़ा बहुत हिला के पलटेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखना है, धीमी आंच पे ही इसे कुक करना है। तो इवनिंग के टाइम में गर्मा गर्म चाय के साथ आप पोटैटो स्टिक्स का एंजॉय कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरी वीडियो को अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे पोटैटो स्टिक्स, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची होते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। और आइए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका क्रंच कितना ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। तो फिर आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ।